गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ्यक्रम के मुहावरे और लोकोक्तियों का एक और अभ्यास। इससे पहले के मॉड्यूल्स में हमने आपको मुहावरों से परिचित कराया, उनके अर्थ परिभाषा को बताया, उनकी विशेषताएं या गुण के विषय में हमने बात की कि उनका उपयोग क्यों किया जाता है, उनका महत्व क्या है, यह सब जाना, साथ ही लोकोक्तियों का अर्थ जाना, लोकोक्ति और मुहावरों में क्या अंतर है उसके विषय में भी हमने बात की। तो आज हम आपके लिए एक अभ्यास लेकर आए हैं। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसमें आपको लोकोक्तियों और मुहावरों को ही पहचानना है। सामान्य रूप में हमने आपको जैसे समझाया था कि कई बार हम मुहावरे और लोकोक्तियों को पहचानने में गलती कर देते हैं और उन्हें एक समझ लेते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुहावरे और लोकोक्तियों में पर्याप्त अंतर है, जिस अंतर को हमने आपको समझाया है। तो अब उसी आधार पर उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने सब मिलाकर मुहावरे और लोकोक्तियाँ साथ में दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। तो एक काम करेंगे, जो मुहावरे वाले वाक्य होंगे जो उनको हम सर्कल कर देंगे नंबर्स को, और जो लोकोक्तियों वाले होंगे उनको हम टिक कर लेंगे, यानी कि मुहावरे को करेंगे हम सर्कल, मुहावरों के जो नंबर्स होंगे उनको हम सर्कल कर देंगे, घेरा कर देंगे, और लोकोक्तियों वाले में हम टिक कर देंगे इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ। अच्छा, एक बात ध्यान रखना होता है कि मुहावरे जो होते हैं वो ना पे अंत होते हैं। ना पर जान पर खेलना, कान भरना, आंख लगना, ना वाले, तो उससे हमें क्या होगा कि मुहावरों को पहचानने में आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं। जान पर खेलना, जैसे कि हमने कहा ना, ना पे अंत होता है मुहावरों का, तो ये हुआ मुहावरा। जान पर खेलना यानी कि किसी चीज को पाने के लिए या करने के लिए हर संभव कोशिश करना, इतना ज्यादा प्रयास करना कि अपने जान की परवाह भी ना करना, तो ये हुआ मुहावरा, यानी कि हमको इस पर सफल कर देना, ये मुहावरा है। चलो पहला वाला मुहावरा। दूसरा, आंखें दिखाना यानी डराना, माँ ने गुस्से में मुझे आंखें दिखाई, तो ये क्या हुआ, ना है अंत में, तो ये भी हुआ मुहावरा। अब जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि ये हुई कहावत, लोकोक्ति। जब आप कुछ ऐसा देखते हो कि किसी ने गलत किया और उसके साथ गलत हुआ, तो क्या बोलते हो, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो कहावत है, अपने आप में पूरा वाक्य है, तो इसे कहेंगे लोकोक्ति। तो इसे हम कर देंगे ठीक, ठीक लोकोक्ति है ये। अब बात करें 9/11 होना, होना ना आया, यानी कि मुहावरा, 9/11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9/11 हो गए, हो गए, तो यहाँ पर हुआ ये मुहावरा, यानी कि खुद ही करेंगे। आपको हमने बताया है कि मुहावरे का वो जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो मुहावरे में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ पीछे खाई, हमारे पीछे कि आगे हुआ पीछे खाई, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जहाँ पर बचने की कोई उम्मीद ही ना हो, यानी कि अगर आगे बढ़ रहे तो भी परेशानी है, पीछे जा रहे तो भी संकट है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, आगे हुआ पीछे खाई, तो ये क्या है, लोकोक्ति, कहावत, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये अपने आप में पूर्ण होती है, इनका प्रयोग हम पूरे तरीके से वाक्य के रूप में कर सकते हैं, लेकिन मुहावरों के प्रयोग करते समय उनमें कुछ अंतर आता है वाक्य में। बाल बाल बचना, अरे ये छत गिरने वाली थी, अभी तुम अच्छा हुआ बाल बाल बचे, बाल बाल बचने से बचे हुए आए, तो यहाँ पर ना लगा हुआ है तो पहचान में आया कि मुहावरा है ये, ठीक है। तो सर्कल कर दीजिए कि ये मुहावरा है, बाल बाल बचना यानी कि बहुत थोड़े से अंतर से बचना। अंतों में काना राजा, यानी कि थोड़े से कम, सारे मूर्खों में थोड़े से ज्ञान वाला भी अगर पहुंचता है तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा ज्ञानी या समझदार होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या कहते हैं, अंधों में काने राजा, यानी सभी मूर्ख हैं तो उसमें उनको थोड़ा भी ठीक लगा तो वो लगा कि बेवकूफों में, ये बहुत कहा लोकोक्ति, इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। अब आया जान पर खेलना, जान पर खेलना यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना किसी चीज को पाने के लिए, अपने जान को मुसीबत में डालकर कुछ कार्य करना, संकट में डालकर, तो ये मुहावरा है, खेलना से हमें पता लग रहा है, संकट कर देंगे। अब आते हैं आम के आम गुठली के दाम, यानी कि दोहरा लाभ, इससे हमें फायदा तो हुआ है, उल्टा हमको ये बेनिफिट और मिला, डबल फायदा हुआ, तो इसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, ये कहा लोकोक्ति है जिसका प्रयोग हम करते हैं कि अरे वाह, मुझे तो डबल लाभ हुआ, डबल प्रॉफिट, तो ये
लोकोक्ति है। लास्ट, ऊंची दुकान पीछे फीके पकवान, यानी कि नाम बहुत बड़ा लेकिन उसमें उतना कुछ भी गुण नहीं है, दिखावा ज्यादा है वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी बातों की जगह पर कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मुहावरा नहीं ये लोकोक्ति है, कहावत है। तो इस प्रकार हमें मुहावरे कौन कौन से मिले, जानवर खेलना, आंखें दिखाना, नौ दो ग्यारह होना, बाल बाल बचना, जानवर खेलना, और हमारे पास लोकोक्तियाँ यानी कहावत कौन कौन सी आई, जैसी करनी वैसी करनी, आगे हुआ पीछे खाई, अंधों में काले राजा, आंखें आम रोटी के नाम, और ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इन सारे मुहावरे और लोकोक्तियों को आप पढ़िए, टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, विभिन्न मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, ये सारी एटलीस्ट इनको एक बार रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि इनके नामों से तो आप परिचित हो जाओगे, इनके अर्थ को तो आप समझ लोगे, भले ही सारे याद ना हो लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, ताकि आप उनको पहचान हो सकें। वाक्य में प्रयोग आपको अपने अनुसार करना है, इसीलिए वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कीजिए अभ्यास और बने रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।